हेलो फ्रेंड्स मैं सुषमिता राणा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ फ़ाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड दिसंबर 2020 के करेंट अफेयर्स तो आज की हमारी पहली न्यूज़ है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट ट्वेंटी के बारे में जिसको कि रिलीज़ किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू ने इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने लार्जेस्ट रिडक्शन इन मलेरिया केसेस रिकॉर्ड किए हैं इन साउथ ईस्ट एशिया 2020 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया रिकॉर्ड किए गए थे जो कि घट के 5.6 मिलियन हो गए हैं 2019 में तो ये एक बहुत ही कमेंडेबल जॉब है इंडिया का इसके लिए इंडिया को बहुत अप्रिशिएट भी किया गया है इस रिपोर्ट में लास्ट ट्वेंटी इयर्स में मलेरिया अफेक्टेड जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने रिमार्केबल सक्सेस अचीव की है लेकिन फाइट अभी ओवर नहीं हुई है अप्रॉक्स सेवन पॉइंट सिक्स मिलियन लाइफ सिंस टू थाउजेंड सेव की जा चुकी हैं जिनमें से कि नाइन्टी फोर परसेंट लाइफ जो हैं वो अफ्रीका में सेव हुई हैं तो आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है फर्स्ट हंड्रेड ऑक्टेन पेट्रोल हंड्रेड ऑक्टेन पेट्रोल बेसिकली लग्जरी व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है जिनकी की डिमांड हाई परफॉर्मेंस की होती है ये पेट्रोल अभी तक केवल सिक्स कंट्रीज में अवेलेबल था इन द होल वर्ल्ड जो कि हैं जर्मनी यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीस मलेशिया इंडोनेशिया एंड इसराइल हंड्रेड ऑक्टेन पेट्रोल की मैनुफैक्चरिंग आई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा रिफाइनरी में होगी जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है तो आपको ये याद रखना है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने फर्स्ट हंड्रेड ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी आईओसी मथुरा रिफाइनरी इन उत्तर प्रदेश हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज है ब्राह्मो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई है इन शिप मोड ये टेस्ट फायरिंग इंडियन नेवी ने कंडक्ट की है ब्राह्मोज एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको कि डीआरडीओ एंड एन एनपीओएम ऑफ रशिया ने मिल के डेवलप किया है डीआरडीओ के करंट चेयरमैन इस समय है जी सतीश रेड्डी तो आपको इनका नाम याद रखना है डीआरडीओ के करंट चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी ऑब्ज़र्व किया गया सेकेंड दिसंबर को ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली तो सेकेंड दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ़ स्लेवरी ऑब्ज़र्व किया जाता है नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 सेलिब्रेट किया गया नागालैंड का फेस्टिवल है ये और ये पहला वर्चुअल सेलिब्रेशन हुआ है इस फेस्टिवल का फ्रॉम फर्स्ट दिसंबर टू फिफ्थ दिसंबर ये फेस्टिवल चलेगा नागालैंड के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं नागालैंड के गवर्नर हैं आर एन रवि जी नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नीफ्यू रियो और नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है नागालैंड से रिलेटेड फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं और ये भी चीज़ याद रखनी है कि नागालैंड का फेस्टिवल होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया ने एक वन थर्टी टू पॉइंट एट मिलियन डॉलर की लोन डील साइन की है जिसमें कि इंडिया ने वन थर्टी टू पॉइंट एट मिलियन डॉलर्स का लोन एडीबी से लिया है ताकि मेघालय का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसे स्ट्रेंथन किया जा सके uh, मेघालय का पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रेंथन और मॉडर्नाइज करने के लिए ये लोन लिया गया है जिससे कि जो क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई होता है मेघालय में वो इम्प्रूव किया जाएगा और ये इम्प्रूव्ड पावर सप्लाई हमें हाउस होल्ड्स इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस में देखने को मिलेंगी इस समय करेंट एडीबी के मेम्बर्स हैं सिक्सटी सिक्स कंट्रीज़ नेक्स्ट आते हैं हमारी न्यूज़ पे अर्जुन मुंडा जी ने ई इनाग्रेट किया है फर्स्ट एवर वर्चुअल आदि महोत्सव जो कि मध्य प्रदेश में इनाग्रेट किया गया है इस महोत्सव का मेन फोकस है ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश पे फोकस करना या फिर इसको प्रमोट करना मध्य प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान जी और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल तो आज के लिए बस इतना ही आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी इसे लाइक ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें